प्रदेश भर में दीपावली के पर्व पर हर्षोल्लास का माहौल। दीपा उत्सव पर रोशनी से सराबोर हुआ प्रदेश का चप्पा चप्पा। लक्ष्मी पूजन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का हो रहा है आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को दी दीपावली पर्व की बधाई। सुरक्षित, स्वस्थ और प्रदूषण रहित दीपावली मनाने का किया आह्वान। देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से दीपावली पर एक दीपक राज्य के विकास के लिए भी जलाने का किया आग्रह। दिवाली की पूर्व संध्या पर विदिशा स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। छोटी दीपावली यानी नरक चौदस पर प्रदेश के अनेक अंचलों में दीप दान कर पूर्वजों को दी गई श्रद्धांजलि। मुरैना जिले के पोरसा स्थित मुक्तिधाम में 5100 दीपक किए गए रोशन। छोटी दिवाली के दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव पर्व। भगवान महाकाल का श्रृंगार कर पंचामृत अभिषेक से हुई भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना। हजारों श्रद्धालु रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके गुप्ता ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। राज्यपाल ओपी कोहली ने राजभवन में दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री रहे शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित। दमोह में जिला योजना समिति की बैठक में 534 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए अनुमोदित। वित्त मंत्री जयंत मलैया, सांसद प्रहलाद पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद। वित्त मंत्री ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने को कहा। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ने सिया के अध्यक्ष बने राकेश श्रीवास्तव। बुधवार को सिया कार्यालय पहुंचकर किया अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के 61वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। लाल परेड ग्राउंड पर 1 नवंबर की शाम होंगे रंगारंग कार्यक्रम। कोलारस से कांग्रेस विधायक राम सिंह यादव का 76 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण निधन। बुधवार को आकस्मिक सीने में दर्द के बाद अस्पताल में किया गया था भर्ती। मुख्यमंत्री ने जताया दिवंगत विधायक के निधन पर गहरा शोक। प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाई गई नरक चौदस। कार्तिक माह की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले पर्व पर कई पारंपरिक अनुष्ठानों का हुआ आयोजन। भगवान कृष्ण ने नरक चौदस के दिन किया था नरकासुर का वध। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन अंडमान निकोबार में तैनात सैनिकों के साथ मना रही है दीपावली। रक्षा मंत्री के रूप में पहली बार पहुंची अंडमान निकोबार। निकोबार स्थित वायुसेना स्टेशन और कमान के संचालन क्षेत्र में सैन्य तैयारियों पर लेंगी जायजा। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में बुधवार को हुई कई रोमांचक मैच। घाना ने नाइजर को हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। वहीं होंडुरास को हराकर ब्राजील भी अंतिम 8 में पहुंचा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने स्पेन की ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मरीन को हराया। भारतीय दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ने सीधे सेट्स में 22-20 और 21-18 से दी मात। जापान ओपन में मिली हार का लिया बदला। और एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम ने कोरिया को बराबरी पर रोका। ढाका में हुए मुकाबले में 1-1 हुआ मैच ड्रा। वहीं सुपर फोर में एक अन्य मुकाबले में मलेशिया ने पाकिस्तान को दी मात।